गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू टॉप 20 बायोलॉजी फाउंडेशन। आई एम डॉक्टर आशीष सक्सेना एंड टुडे वी आर डिस्कस चैप्टर नंबर 2 एंड क्लास 10। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल देन एज द मोर अपडेट। तो आज जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्पेशली फॉर क्लास 10, काफ़ी टाइम से 10th के टॉपिक अपडेट नहीं किए थे, तो आज मैंने थिंक किया चलो आज 10th के भी टॉपिक अपडेट कर दिए जाए। तो इसमें 10th में जो चैप्टर फर्स्ट डिस्कशन हुआ था वो लाइफ प्रोसेस, और चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंक्लूड एज द टू सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम इंक्लूड नर्व्स, then as the unit of nervous system is neurons. This diagram indicates as the structure of neurons. Neurons, it is the largest unit of nervous system. The neurons has the different part, first part cell body, second part dendrites, and third part axon. Then as the end condition, it is also called nerve ending. It's a part of neurons. Okay? Then as the how these impulses are transmitted, so these impulses are transmitted then to the outer environment, and these impulses receive with the help of dendrites, then cell body, then axon, then and the neurons. Means ये response कैसे one cell से another cell तक पहुँचते हैं, तो इसका effect पर the outer impulse से, जो outer impulse को receive किया जाता है with the help of dendrites, dendrites से impulse कहाँ पहुँचते हैं cell body से कहाँ पहुँचते हैं axon, एग्जॉन से कहाँ पहुँचेगी नर्व बेंडिंग, और नर्व बेंडिंग से जो कनेक्टिविटी होगी वो होगी अनदर न्यूरॉन्स की। तो इस टाइप से ये मैसेज वन सेल से अनदर सेल तक पहुँच जाते हैं। तो तीन मैसेज आर ट्रांसमिटेड वन सेल टू द अनदर सेल। देन एज अ नर्वस सिस्टम आर टू टाइप्स, CNS एंड PNS। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड टू ऑर्गन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड PNS इंक्लूड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम सी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से जो नर्व्स हो रही है वो क्या है, क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो है स्पाइनल नर्व्स। ओके, देन एज अ ANS मीन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देन दिस डायग्राम रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। देन ब्रेन इट इज डिवाइडेड, फर्स्ट पार्ट फोर ब्रेन, यहाँ पे जो अपर पार्ट यहाँ पे जो इंडिकेट कर फोर ब्रेन, देन ये कौन सा मिड ब्रेन, और यहाँ पे कौन सा हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है ये क्या होता है, थिंकिंग पार्ट होता है। फोर ब्रेन इट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। देन मिड, देन एज द हिंड, हिंड ब्रेन कंसिस्ट डिफरेंट पार्ट। अब देखिए फोर ब्रेन में जो मेन पार्ट आता है वो सेरेब्रम, और हिंड ब्रेन में जो मेन पार्ट है कौन से, पॉल्स मेडुला सेरिबेलम, एंड बॉडी की जो बैलेंसिंग करता है वो करता है सेरिबेलम। सेरिबेलम दिस पार्ट इट हैज द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ओके, तो इट इज द बैलेंसिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी सेरिबेलम। अब इसी चैप्टर में आप स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस। ओके, देन एज द ट्रॉपिक एंड नेस्टिक, ये दोनों मूवमेंट्स प्लांट में होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक। ट्रॉपिक क्या होती है, डायरेक्शनल मूवमेंट, नेस्टिक क्या होती है, अनडायरेक्शनल मूवमेंट। एंड ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉपिस, फोटोट्रॉपिस, जियोट्रॉपिस, थीमोट्रॉपिस, हाइड्रोट्रॉपिस एंड कीमोट्रॉपिस, दीज आर डिफरेंट फाइव टाइप। मीन्स किसी ना किसी के प्रति स्टिमुलस है। ओके, लाइट के प्रति यदि प्लांट स्टिमुलस है तो वहाँ पे फोटोट्रॉपिस आ जाएगा, केमिकल है तो कीमोट्रॉपिस, टच है तो थिग्मोट्रॉपिस। सो एज द प्लांट आर स्टिमुलस डिफरेंट कंडीशंस। देन एज द नेस्टिक इट इज द अनडायरेक्शनल मूवमेंट, एंड नेस्टिक आर टू टाइप, थिग्मोनेस्टिक एंड फोटोनेस्टिक। फर्स्ट पॉइंट थिग्मोनेस्टिक एंड सेकेंड पॉइंट फोटोनेस्टिक। So these are different type of tropic and nestic movement. Then in this chapter you are study as the
different type of hormones, plant hormones. Phyto means plant. Then these hormones, it have the growth of plant cell, like as a different type of plant hormones, auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid, ethylene. आप यहाँ पे देखिए जो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन, इन्हें बोलते हैं पीसीआर, बेस प्लांट ग्रोथ को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहे हैं। बट जो ईबी है इसे बोलते हैं इनहिबिटिंग, प्लांट ग्रोथ को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो एज ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, दिस प्लांट हार्मोन इट हेल्प द, ये क्या कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ को क्या बढ़ा रहा है, जबकि जो ईबी है ये क्या कर रहा है, प्लांट ग्रोथ को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। इसको बोल सकते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ओके, देन एज यहाँ पे आती है रिफ्लेक्स एक्शन। कभी कभी अपने आप को गर्म पानी में डाल दे, तुरंत हाथ को पीछे हटा लेते हैं, ये प्रोसेस क्या सडनली हो रही, और इसमें कंट्रोल क्या हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड का। तो जो प्रोसेस सडनली होती है कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। एंड द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स अर्ज। देन इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडी एज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, especially you are study as the endocrine glands. And endocrine glands include different glands. Endo means generally यहाँ पे आ रही ductless glands, जिनमें क्या duct नहीं होती है, और इसमें जो आ जाएगी pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, adrenal, pancreas, testis, ovary. अब यदि यहाँ पे बोल दिया जाए यहाँ पे मिक्स प्लांट कौन कौन सी होते हैं, तो मिक्स प्लांट में आएगी पैंक्रियास, टेस्टिस, ओवरी। अब यहाँ पे बोलते हैं कि इसे मिक्स प्लांट क्यों बोलते हैं, इसका रीजन है क्योंकि इसमें हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, बिकॉज दिस प्लांट या इन प्लांट से क्या रिलीज हो, हार्मोन्स एंड एंजाइम। हार्मोन्स इट्स द फीचर ऑफ एंडोक्राइन, एंड एंजाइम इट्स द फीचर ऑफ एक्सोक्राइन। हार्मोन्स किसका फीचर है, इंडोक्राइन का। एंजाइम किसका फीचर है, एक्सोक्राइन का। इंडोक्राइन प्लांट्स क्या होती है, डक्टलेस, बट एक्सोक्राइन प्लांट्स क्या होती है, इसमें पाई जाती है डक्ट। तो इट्स द कंपेयर बिटवीन इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। हर ग्लैंड्स की अलग अलग इंपोर्टेंस फंक्शन होता है। सपोज यदि ब्रेन की बात की जाए तो यहाँ पर थ्री ग्लैंड्स होते हैं, पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस। और इसमें जो पिट्यूटरी है इससे जो रिलीज होता है जीएच हार्मोन, जीएच को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। कभी कभी देखते हैं स्टार्टिंग कंडीशन में पर्सन में जीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ जीएच हार्मोन इट्स द इफेक्ट ऑफ डॉर्फिस, पर्सन क्या बहुत बोना हो जाएगा। तो यदि इसकी एफिशिएंसी हो जाती है तो पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली टाल हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या कहा गया कि जो हार्मोन्स का लेवल है बॉडी में स्पेसिफिक अमाउंट में होना चाहिए, न कम न ज़्यादा। आप लोग देखते हैं डिफरेंट कंडीशन होती है, बॉडी में डिफरेंट चेंजिंग आती है। कभी कह रहे हैं किसी पर्सन में बियर्ड नहीं आ रही, दाढ़ी नहीं आ रही है, मॉस्टेक नहीं आ रही है, तो उसका सीधा आंसर है कि उसकी बॉडी में हारमोन्स का लेवल कम है। ओके, तो हारमोन्स पूरी बॉडी में जो एक्टिविटी होती है उन सभी को रेगुलेट करता है, इनका बॉडी में एक प्रीशियस अमाउंट में रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। एंड हारमोन्स इट इज द केमिकल मैसेंजर एंड सेक्रेटेड बाई इंडोक्राइन ग्लैंड्स। थायराइड में क्या होता है, यहाँ थायराइड्स पाई जाती है। और यदि बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट, तो इट्स द इफेक्ट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन्स। आयोडीन मेक द थायरोक्सिन हार्मोन, एंड डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन अवर बॉडी द डिसीज कॉज्ड का यहाँ पे क्वाइटर हो जाता है, मतलब ये ग्लैंड्स क्या होती है बाहर की ओर आ जाती है। और कभी कभी यहाँ भी सिम्टम अपीयर होता है, तो इट्स द सिम्टम ऑफ क्वाइटर। इसके पीछे होती है पैराथायराइड, यहाँ पे थायराइड होती है, पीछे क्या होती है पैराथायराइड। देन इसके नीचे होती है थाइमस, इसके बाद पैंक्रियास, और किडनी के अपर होती है एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स को बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। एंड वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी, बिकॉज हार्मोन्स आर रिलीज इन इमरजेंसी कंडीशन। एड्रीनलाइन एंड नॉर एड्रीनलाइन, देन पैंक्रियास, पैंक्रियास से रिलीज होता है दो सेल होती है अल्फा सेल बीटा सेल, तो यहाँ पे होता है इंसुलिन।
और इंसुलिन की सपोज डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन द डिसीज इट इज कॉल्ड डायबिटीज। ओके देन अ टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन, ओवरी, ऑस्ट्रोजन, तो दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सेकेंडरीज सेक्सुअल कलेक्टर इन मेल एंड फीमेल बॉडी। ओके स्टूडेंट, तो अपने डाउट आप लोग डिस्कस करते रहिए, और आपकी क्लास टेंथ में टोटल बायो में चैप्टर 6 चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जेनेटिक्स, आवर एनवायरमेंट एंड लास्ट मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इन चैप्टर को आप लोग डीपली स्टडी करते रहिए, और जहाँ भी डाउट है मैसेज कीजिए। और चैप्टर जो फर्स्ट था लाइफ प्रोसेस, उसमें चार सिस्टम आपको बता दिए थे। स्टार्टिंग आपने जो स्टडी किया था न्यूट्रिशन सिस्टम, देन रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, देन इन दिस चैप्टर यू आर स्टडी एज द फर्स्टली यूनिसेलुलर, देन प्लांट, देन एनिमल्स लाइक ए ह्यूमन बीइंग, देन स्टार्टिंग यू आर स्टडी एज अ स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, एंड स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूड इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन का मीन्स क्या, फूड का कहा जाना माउथ के अंदर, डाइजेशन में उसका कन्वर्ट होना, एब्जॉर्प्शन मीन्स इस फूड का ब्लड में मिक्स हो जाना, एसिमिलेशन मीन्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसफर होना, और इजेशन मीन्स रिमूविंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन अवर बॉडी, बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से कहा निकलना बाहर। ओके देन एज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, एंड ऑटोट्रॉप्स आर टू टाइप फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक, एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर डिफरेंट टाइप पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक एंड पोलोजोइक, एंड ह्यूमन बींग इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पोलोजोइक। देन यू आर स्टडी एज द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल्स, एज अ डिफरेंट पार्ट माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, एंड इंटेस्टाइन आर टू टाइप स्मॉल एंड लार्ज। ओके देन एज द डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लांड्स, एंड दीज ग्लांड्स इट हैव द डाइजेशन प्रोसेस लाइक सलाइवरी ग्लांड्स प्रेजेंट नियर द टंग, देन गैस्ट्रिक ग्लांड नियर द स्टोमक, पैंक्रियास एंड लीवर, एंड लीवर इट इज द लार्जेस्ट ग्लांड इन ह्यूमन बॉडी। ओके लीवर प्रेजेंट बाइल जूस, and these bile juices store gallbladder. There is hepatic duct and pancreatic duct. Hepatic duct connected liver and pancreatic duct connected pancreas, and hepatic duct and pancreatic duct, these duct open as a part of duodenum. Then near the stomach present gastric gland, gastric gland present gastric juice, and gastric juice present different enzyme HCl, pepsin, mucus. इट हैज द डाइजेशन ऑफ फूड। एस सी एल क्या करता, जो बॉडी में फूड के साथ जर्म्स होते हैं उन जर्म्स को किल कर देता और एक्टिवेट करता प्रोटीन डाइजेशन में। ठीक है पेप्सिन, और पेप्सिन करता प्रोटीन डाइजेशन करता, म्यूकस प्रोटेक्ट करता इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। देन एज द स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट बिली, and these villi it has the increase the area for absorption, and large intestine present villi and it has the absorption of water molecules. Then complete digestion as the intestine carbohydrate change glucose, protein change amino acid, and fat change fatty acid and glycerol. Then isme aage respiration system usse bhi maine aapko discuss kiya tha, transportation bhi bataya tha, excretion bhi bataya tha, और ये भी आता डायलिसिस। डायलिसिस को बोलते हैं हम आर्टिफिशियल किडनी, और लाइक एज द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे हर्ट आ जाएगा, और यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ आ जाएगा और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड आ जाएगा। ओके स्टूडेंट देन ब्लड प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल, white blood cell and platelets. The importance of platelets, it has the clotting of blood. Blood को क्या कर clot कर रहा है।
okay. Then as the transportation system, like as plant, xylem and phloem. And xylem, it has the transport of water and mineral, root to upper parts of plant. And phloem, it has the transport of food material, leaves to different part of plant. Then xylem has different types of part, tracheids, basins, xylem fiber, xylem parenchyma. And phloem has different part, sieve tube, companion cell, phloem fiber and phloem parenchyma. तो आप लोग डीपली स्टडी करते रहिए और जहाँ भी जिस टॉपिक में डाउट है मैसेज कीजिए, वो टॉपिक मैं आपको डीपली बताऊंगा. ओके स्टूडेंट, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.